ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागरिक संशोधन का जो कानून है उसमें कई बार पहले तब्दीली हुई है। इस बार ये बात सच है कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में पारित हुआ है, लेकिन जो चर्चा निकल कर सामने आई है, जिस तरह का आज उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर माहौल बना हुआ है, अलग अलग देश के इलाकों में इसमें बहुत लोगों में आक्रोश है, विद्रोह हो रहा है, चर्चा नकारात्मक हो रही है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर आप लगातार संशोधन करते रहेंगे तो क्या संकेत जा रहा है। दुनिया के बाकी देशों के अंदर भी इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है और मैं समझता हूँ कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने या ना देने का निर्णय उसकी धर्म या जाति के आधार पर होना चाहिए। दुनिया में भारत की तारीफ इसलिए होती थी क्योंकि भारत में कोई पक्षपात नहीं था, जाति, धर्म, समुदाय, भाषा के ऊपर कभी भेदभाव नहीं किया गया और इसके पीछे करने के कारण क्या रहे, अगर कोई व्यक्ति शरणार्थी आता है और सच में उसकी स्थिति यह है कि हमें उसको शरण देनी है तो देनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम शरण नहीं देना चाहते हैं तो उसको सिर्फ धर्म के आधार पर रिजेक्ट करना एक गलत कदम मैं मानता हूँ। अभी ये न्यायालय में भी शायद ये मुद्दा जाएगा, अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, लेकिन बहुमत के आधार पर आपने बिल तो पास किया है लेकिन जनभावना मैं समझता हूँ इसके अनुरूप नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन आपको नहीं लगता सर इससे बड़े जो आर्थिक स्थिति आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई उसके ऊपर काम किया जाता है? ये काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ताकि लोग ध्यान ही ना दें, वो काम इसलिए कर रहे हैं कि लोग आर्थिक मंदी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, टमाटर प्याज के क्या दाम होंगे पूरे देश भर में, उस पर कोई सार्थक कदम सरकार उठा नहीं रही, नाकाम है या करना नहीं चाहते हैं या जानबूझ के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं, और नाना प्रकार के विवादित मुद्दों को लेकर भाषण देना, सदन में बिल पास कराना, लेकिन जो रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं उसको पूरी तरह निगलेक्ट कर रही है केंद्र की सरकार। और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग 14 तारीख को दिल्ली में जो रैली कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों को हम रेखांकित करेंगे ताकि जो पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं उसको सरकार टेकअप करे, ये हमारा मेन इशू रहेगा 14 तारीख को। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।